वेरी वाम ग्रीटिंग्स टू ऑल लेट्स विद द टूटोरियल ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू स्पेशली जो लोग डिज़ाइन uh, सॉफ्टवेयर में न्यूली आ रहे हैं या न्यूली आना चाहते हैं और ख़ासकर से चाहे बड़े हों या बेसिकली बच्चे हों जो इसमें एंट्री uh, करना चाहते हैं दे वॉन्ट टू लर्न द बेसिक्स तो उसके लिए एक uh, बड़ा अच्छा स्टार्टिंग ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं कई ऐसे कैट सॉफ्टवेयर हैं जो बच्चों के लिए स्टार्टिंग से बेसिक्स के साथ बताए गए हैं उसी में से एक मैंने यहाँ पर उठाया है जो कि ओपन सोर्स है जिसको हम कहते हैं लियो कैड तो यह भी आप सामने देख रहे हैं ये मैंने लियो कैड ही ब्रिक्स को यूज करके और ये हमने एक डिजाइन बनाए यहाँ पे यह आमतौर पे आपको बाहर गेम्स मिल जाते हैं ऐसे ब्रिक गेम्स जिसको आप यूज करके बनाते हैं सेम वैसे ही एक हमारे पास थ्री डी कैड ऑप्शन भी आ जाता है तो बेसिकली आ, ये आपको जो साइट है इसकी मैं आपको एक साइट शो कर देता हूँ ये हमारी इसकी साइट है लियो कैड इसपे आपको ये ओपन सोर्स है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें डाउनलोड का ऑप्शन दिया और डॉक्यूमेंटेशन में एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी बताया वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप कर सकते हैं तो आ, बच्चों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा और बड़े भी उसको फॉलो करना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो डू दैट तो यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं कुछ उन्होंने यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखाए हैं क्या क्या इस पर बन सकते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं बहुत अच्छा हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है आप अपनी व्हीकल्स बना सकते हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर्स की मशीन्स दिखाई हुई हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं यू कैन मेक इट इसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है डाउनलोड हमारे पास इसका विंडोज़ के लिए भी दिया है लिनिक्स के लिए भी दिया है मैकेटोश के लिए भी दिया है और इसके डॉक्यूमेंटेशन में हमें पूरा ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप बेसिक ट्यूटोरियल्स पे जा सकते हैं ट्यूटोरियल्स में आपको एक बड़ा अच्छा ट्यूटोरियल उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कैसे आप एक ब्रिक्स लेके इसको कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक ट्यूटोरियल यही वाला सेम एक जनरेट किया है ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए उसको समझना कि हमने कैसे उसको बनाया है एक जनरल आइडिया आ जाए ताकि आप अपने क्रिएटिविटी यूज़ करके इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें और जो हैं बहुत डिटेल्स में हैं इसमें बहुत डिटेल्स uh, में ब्रिक्स अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा uh, हमारे पास डिटेलिंग्स में हम जा सकते हैं और डीपली जाके कोई चीज़ बहुत अच्छे से बना सकते हैं सो लेट्स सी दैट लेट्स स्टार्ट इट देखते हैं उसको कैसे हम वी कैन मूव टू दैट तो यहाँ पर ये मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं ये बना के इसमें पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है सामने हमारे पास एक स्क्रीन है ये आप जैसे हम ड्राइंग एरिया होता है में वैसे ये हमारा पूरा वर्किंग एरिया है जिसमें हम ब्रिक्स को रखेंगे और ब्रिक्स को रख के उसको जो है कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे ड्रॉ करते जाएंगे इसमें भी कुछ चीजें हमने क्या देखनी है जो अब आप आपके सामने स्क्रीन आ रहा है सामने यहाँ पर मीनू बार्स हैं इसमें पुल डाउन मीनू भी हैं जो नीचे हो जाते हैं पुल डाउन उन्हें बोलते हैं जिन्हें आप क्लिक करो तो वो नीचे शो करते हैं और साथ में हमें यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टूल बार्स भी दिए हैं इसमें स्नैपिंग का ऑप्शन भी दिया है स्नैप मतलब एक से दूसरे पॉइंट पर सीधा सीधा टूल जाता है अगर आप फ्रीली मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आप चाहें तो उसे स्नैप अनेबल कर सकते हैं या अनेबल हटा सकते हैं तो ये हमारे ऊपर है हम रोटेशन में भी स्नैप कर सकते हैं तो ये स्नैपिंग मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मूव करना है तो अगर आप बीच में स्लोली स्लोली मूव करना चाहते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स भी लेना चाहते हैं तो यहां से आप स्नैप डिसेबल कर सकते हैं तो यहाँ से स्नैप डिसेबल हो जाता है उसके बाद ये आप आगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा ये हमारे स्टेप्स बनाने के लिए है कि स्टेप्स के थ्रू आप अलग अलग अ, अ, जो चीज आप जैसे आपने पहला स्टेप लिया एक प्लेट अंदर रखी उसको एक स्टेप में ले सकते हैं फिर दूसरा स्टेप ले सकते हैं फिर तीसरा स्टेप ले सकते हैं उसमें आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फिर शो कर सकते हैं जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो मैंने इनको सबको स्टेप वाइज बनाया हुआ तो मैं एक स्टेप हटाऊंगा तो आप देखेंगे एक चीज हट गई है दूसरा स्टेप अटाऊंगा दूसरी हट गई तीसरा स्टेप अटाऊंगा तीसरी हट गई तो इनको मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है बनाया हुआ है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख सके बाकी हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है इसमें मूव करने का ऑप्शन है इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं एक इसमें हम रोटेट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हमारे पास ब्रिक आ रहा है उसको पैन कर सकते हैं हाथ से हम दाएं बाएं उसको राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं जूम कर सकते हैं जूम हमको बड़ा करना है छोटा करना है काफ़ी सारे और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ओपन होता जाएगा ट्रायल एंड एरर करते रहोगे तो और सीखते जाओगे तो इसको हम माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं माउस का जो व्हील होता है अगर आप इन साइड और आउटसाइड की तरफ घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जूम इन जूम आउट हो रहा है अगर आप इसी माउस का जो व्हील है उसको प्रेस कर देंगे और साथ में आल्ट दबा देंगे कीबोर्ड में कंप्यूटर में आल्ट प्रेस करके ये आपके स्पेस बार के बाजू में यूजुअली होता है इसको आल्ट को प्रेस करके अगर आप जो कर्सर है जो इसको आप घुमाने से जूम इन जूम उट, आउट हो रहा था उसको दबा देंगे तो आप देखेंगे एक हाथ का निशान बन रहा है यहाँ पे यू कैन सी दैट एरो की जगह एक हाथ का निशान बन जाता है उससे आप उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट ड्रैग कर सकते हो तो ये आपके कुछ फीचर्स आ जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं काफी हद तक ऐसे ही फीचर्स आपके कैड सॉफ्टवेयर जो बड़े इंजीनियर्स के लिए होते हैं उसमें भी ये यूज होते हैं तो आपको एक यूजर फ्रेंडली माहौल मिल जाता है यहाँ पर आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है उसमें आर्ट की जगह कई बार कंट्रोल दब जाता है कोई और बटन होता है लेकिन करने का वही तरीका होता तो आपके माउस की प्रैक्टिस और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाती है ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पे रोटेशन करना है अगर हम इसको थ्री में घुमाना चाहते हैं तो एक तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हम इसको क्लिक करके रोटेट करें दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है आल्ट प्रेस करके माउस का जो लेफ्ट बटन है अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो आप उससे इसको पूरा रोटेट कर सकते हैं आप देख रहे हैं मैं कैसे इसको पूरा रोटेट कर रहा हूँ मेरा जो कर्सर है वो भी रोटेशन में देखिए आप माउस जो है वो रोटेशन में आ जा रहा है उसका साइन थोड़ा चेंज हो जा रहा है तो ये देखिए आप कैसे रोटेट कर सकता है तो ये हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है ठीक उसी तरह से अगर मैं इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू सब देखना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ एक बॉल बनी हुई है इस बॉल पे आप देखेंगे फ्रंट क्रेस करेंगे तो फ्रंट आ जाएगा ठीक है इसके साइड में यहाँ क्रेस जैसे ये होता है तो राइट right साइड आ जाएगा वैसे ही आप इसको आ, दूसरा व्यू देखना चाहते हैं आप कॉर्नर्स में जहां जहां इसको क्लिक करते जा रहे हैं अलग अलग व्यूज दिखाता जा रहा है बाकी आप इसे रोटेट करना चाहते हो तो आपको पता ही है और दबा के आप लेफ्ट माउस का बटन दबाएंगे रोटेट हो जाएगा थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं पीछे ले जा सकते हैं व्हील को घुमा के अगर आप साइड में इसको लेके जाना चाहते हैं ऑल दबा के व्हील का बताइए तो आपका पैन हो जाएगा आप साइड में ले जा सकते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही ऑप्शन बच्चों हमारे पास कैड में भी होते हैं तो जो भी इसे यूज़ कर रहा है बच्चे यूज़ कर रहे हैं बड़े यूज़ कर रहे हैं अगर वो इन टूल्स को यूज़ करेंगे तो वो फैमिलियर होते जाएंगे कि कैसे हमें व्यूइंग देखना है कैसे हमें फिट करने वक्त व्यू देखना पड़ता है एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक पे कैसे लगाना है डिटेलिंग में कैसे जाते हैं तो वो वो इनके टूल्स के यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद जब वो आगे और हैवियर कैट सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है बाकी सॉफ्टवेयर्स को पिक करना सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम कोई डिज़ाइन कर सकते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक Uh, कुछ हमारे पास बॉक्सेस दिए हुए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे तो इसमें हमें पार्ट्स बताया हुआ तो अलग अलग पार्ट्स की लिस्ट आप नीचे देखेंगे यहाँ पे पार्ट्स की डिटेलिंग आती जा रही है तो अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ तो आप देखेंगे अलग 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 नाम एंटीना का कर रहा हूँ तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना जो टीवी में हम यूज करते हैं वो आ जाते हैं नाम वैसे ही रखें ब्रिक है जो हमें बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए होते हैं हर चीज को जोड़ जोड़ के दो ब्रिक्स आ जाती हैं कंटेनर हैं डोर एंड विंडोज है इलेक्ट्रिक का हमारे पास पूरा सिस्टम आ जाता है इलेक्ट्रिक का वो फिर ब्रैकेट्स के आ जाते हैं होज के आ जाते हैं अलग अलग चीजें जो है आपको इसमें मिलेंगे आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो इसमें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी व्हीकल्स में आपको काफी सारी गाड़ियां बाइक्स के पार्ट्स और टायर्स व्हील्स ये सारी चीजें अलग से दी हुई हैं इन्होंने तो वो सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है प्लांट्स के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है इसमें वी कैन गो थ्रू सो मेरी थिंग्स तो व्हीकल्स का हमको यहाँ पे बाइक्स गाड़ियाँ सब मिल जाती हैं कुछ तो बनी बनाई है पूरी कुछ आपको चेसिस और बाकी पार्ट्स दिए हुए हैं उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो टाइप से आपको पूरा जो है प्रैक्टिस हो जाता है तो दिस इज हाउ यू कैन गो थ्रू इसको मैंने कुछ अपने हिसाब से सेटिंग से करी है मैंने राइट right क्लिक किया जब इस बॉक्स के ऊपर तो यहाँ पे मैंने एक लार्ज आइकन ले लिया और साथ में डेकोरेटेड पार्ट भी शो करे और लिस्ट भी शो करे उसका नाम भी शो करे क्योंकि जब आप ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे तो उसमें उन्होंने नाम लिखे हुए तो यहाँ से आप सर्च नू में उनका नाम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके टाइप करेंगे तो वो यहाँ सर्च करने में भी आपको बहुत हेल्प करता है तो आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर्च करने वक्त आपने किसको क्लिक किया है ऑल पार्ट्स को क्लिक करके आप सर्च करेंगे तो ऑल पार्ट्स में सारे के सारे पार्ट्स वो सर्च उठा के दिखा देगा जैसे आप प्लेट टाइप करते हैं इसमें तो प्लेट से रिलेटेड जितने आ जाएंगे प्लेट के डायमेंशन आगे बिल्कुल वैसे का वैसे ही टाइप करेंगे तो डायमेंशन के हिसाब से अलग अलग प्लेट निकाल देगा तो आपके लिए ईजी हो जाता है किसी पार्ट को पिक करना और उसको यूज करना तो ये इस टाइप से आपको स्पेशली ट्यूटोरियल्स फॉलो करने में बहुत इजी होगा इससे तो यहाँ पे दो तीन जरूर चीजें करें एक लिस्ट मोड जरूर रखें उसका ताकि वो आपको नाम भी शो करे और डेकोरेटेड पार्ट्स ले लें और लार्ज आइकन रख सकते हैं स्मॉल आइकन भी रख के देख सकते हैं लार्ज आइकन से आपको इंडिविजुअली उसका विजुअल भी अच्छे से क्लियर दिख जाता ठीक उसी तरह से हमारे पास टाइमलाइन में स्टेप्स आए थे देखिए मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं सारे के सारे हम इसके स्टेप्स यहां से बनाते हैं ये हमारे हम तो गाइड किया है कि कैसे आप स्टेप्स को भी बना सकते हैं उसके अंदर फिर कॉपी पेस्ट ऑप्शन होते हैं एक पार्ट बना लिया उसी को दोबारा बनाना उसको कॉपी किया पेस्ट किया उसके बाद मूव करके साइड में रख दिया तो ये सारी प्रैक्टिस आपकी ऑलमोस्ट वैसी ही हो जाती है तो ये सब आपको जब आप ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करेंगे जो इसमें शो किया हुआ ट्यूटोरियल तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे यहाँ पे ट्यूटोरियल में इन्होंने एक एक स्टेप्स बताए हुए हैं तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा एक हल्का सा मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे आप एक कॉमन चीज जो सब में रहती है वो आप कर सकते हो तो अभी मैं क्या करता हूँ एक एक करके स्टेप्स जैसे जैसे मैं हटाता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि स्टेप डिलीट नहीं होते सिर्फ वो स्टेप्स आपके हटते जाएंगे तो जैसे मैंने गाड़ी बनाई तो आप देख रहे हैं एक एक करके इसके सारे पार्ट्स जो है वो हटते जा रहे हैं तो जैसे वन बाय वन मैंने पहले सबसे पहले मैंने क्या किया

क्रॉस की कोई प्लेट है मेरे पास तो ये देखिए मेरे पास फोर क्रॉस टेन की फोर क्रॉस ट्वेल्व की अलग अलग प्लेट्स आने लग गई हैं इसी को मैं अगर प्लेट्स में जाके चेक करूंगा तो मेरे को काफी ऑप्शन इसमें और मिल जाएंगे तो अगर मैं खाली फोर क्रॉस वन रखता हूं तो इसमें फोर क्रॉस फोर काफी सारे ऑप्शन मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे तो ऐसे ट्रायल एंड एरर करेंगे तो हमें काफी सारी चीजों को यहाँ पर पता लगने लग जाएगा कि किस टाइप की हमारी प्लेट है और ये चीज उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड किया है जिसको हम देख सकते हैं जैसे उन्होंने लिखा प्लेट वन क्रॉस फोर तो यानी वो क्या कर रहे हैं पहली उन्होंने एक एक कॉलम या एक को वन मान लिया और दूसरे जो डॉट्स है उसको फोर मान लिया तो मैं यहां से अगर प्लेट को वन क्रॉस फोर कर देता हूं तो इफ आई डू वन स्पेस देके स्पेस का ध्यान रखिए जिस ढंग से उन्होंने दिया है तो ये देखिए मेरे पास ये प्लेट आ गई जो मैंने यहां बनाई है इसके मैं कलर्स चेंज कर सकता हूं मैंने यहां से अगर डिफरेंट कलर्स ले लिए तो ये डिफरेंट कलर्स के बन जाएंगे लेकिन चेंज द कलर ट्रांसेंट कलर ले सकते जो ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएंगे स्पेशल कलर्स कुछ दिए इसको जब आप करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा तो ये कलर्स लेके आपको करना है कि आपको इसे क्लिक करना है और क्लिक करके ड्रैक करना है यानी आप इसको दबा के रखें लेफ्ट क्लिक को अपने माउस के और उसको ड्रैग करके ऐसे उठा के ले जाए तो ये आपका यहां पर आ जाएगा अब आप क्या कर सकते हैं आपके पास देखेंगे अब मैं थोड़ा सा टर्न कर लेता हूं थोड़ा सा इजिली क्लियर व्यू हो जाएगा तो अब यहाँ पे देख रहे हैं तीन मेरे पास डायमेंशन है एक एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में जेड ऊपर वाला हो गया एक्स हम रेड मान लेते हैं वाई हम ग्रीन मान लेते हैं तो ये चेंज हो सकता है पर यहां पर हमने ऐसे मान लिया इसको तो हम अगर इसको इस तरफ करना चाहते हैं इसको जैसे मैं लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करूंगा तो ये इस तरफ हो जाएगा यानी दबा के लेफ्ट क्लिक रखा है उसको मैं मूव कर रहा हूँ जैसे मैं ग्रीन वाले को करूंगा तो ये इस तरफ और इस तरफ हो जाएगा जैसे मैं ब्लू वाले को प्रेस करके रखता हूँ तो ये ऊपर और नीचे हो जाएगा तो ये मेरे को फीचर्स आए थे यहाँ पे मेरे पास रेड कलर ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का एक रोटेशन का भी दिया हुआ है तो अगर मैं ब्लू कलर को टर्न करूंगा तो ये मेरे को ऐसे टर्न कर देगा तो इस से मैं इसको अलग -अलग से टर्न भी कर सकता हूँ तो मैंने टर्न करता हूँ जैसे ही बन गया। इसको, मैं सकता तो बिल्कुल मैं इसको प्रेस करूंगा मैं स्टेप टू में आ जाऊंगा आई विल गेट इन द स्टेप टू तो मैं दूसरा पार्ट कोई ही ला रहा हूँ मान लीजिए बाहर से मैंने पार्ट सेट कर दिया अपने हिसाब से अब मैं दूसरा पार्ट ला रहा हूँ तो दूसरा पार्ट मान लीजिए मुझे एक और प्लेट लानी है जो कि मेरी यहाँ पे हुई है मान लीजिए प्लेट वन इंटू फोर दिया है नेक्स्ट मेरे को एक और प्लेट इन्होंने ली लिया है तो वो प्लेट मेरे को दे दी है इन्होंने प्लेट टू इंटू फोर तो मैं यहाँ से प्लेट टू इंटू फोर भी देख सकता हूँ तो मैं यहाँ से प्लेट को टू इंटू फोर करता हूँ तो टू इंटू फोर किया तो मेरे पास प्लेट टू इंटू फोर भी आ गई इसको भी मैं उठा के यहाँ पे ले आया यहाँ से सेम इसको वैसी पोजिशन में लाना है तो इसको टर्न किया मैंने टू इंटू फोर इसको ड्रैग किया यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ मैंने जो है इसकी लाइन पे रख दिया तो दो छोड़ने तो दो मैंने छोड़ के यहाँ पे रख दिया तो इस टाइप से मैं इसको पूरा बना सकता हूँ उसके बाद अगर मान लीजिए इस पर कोई प्लेट मुझे फिट करनी है तो अगर मान लीजिए मुझे कोई प्लेट फिट करनी है मान लीजिए कोई टू इंटू टेन की प्लेट फिट करनी है तो मैं इसको यहां से उठाता हूँ तो टू इंटू टू टेन की जो भी प्लेट मेरे को दिए फिट करने के लिए मेरे को इसको अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो देखिए ये इसके साथ बीच में आ रहा है ठीक नहीं है तो इसको जेड पे एक चीज ऊपर उठा लेता हूँ जेड पे मैंने एक ऊपर उठा लिया तो देखेंगे आप इसके साथ ये फिट होगी अब मैं इसको अलग अलग पॉइंट्स पे उसको सेट कर सकता हूँ तो इस हिसाब से आप उसको पूरा सेटिंग करके धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये इस टाइप से आप इसको पूरा यूज कर सकते हैं अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूं कि कैसे हमने ये सारी चीजें बनाई हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से तो मैं आपको गाड़ी एक एक करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने ये पार्ट ट्यूटोरियल का बनाया है सबसे पहले मैंने ये ले लिया वैसे ही फिर मैंने ये एक प्लेट ले ली जैसे जैसे मेरे उस उसमें मैंशन किया फिर मैंने एक ये वाला प्लेट ले लिया उसके ऊपर फिट कर दिया फिर मैंने यहाँ पे स्टेरिंग का एक इसी में स्टेरिंग सर्च किया कार स्टेयरिंग वो ऑप्शन में तो मेरे को कार स्टेयरिंग मिल गया उसकी लोकेशन सेट कर ली फिर मैंने जो है एक बम्पर सेट कर लिया यहाँ पे बम्पर के बाद फिर मैंने आगे एक हमको अलग बॉक्स स्लाइड बॉक्स दिया हुआ है वो ले लिया मैंने एक और मैंने स्लाइड बॉक्स लेके यहाँ पर इसके साथ एक प्लेट और लगा दी यहाँ पे और वैसे ही फिट करता जा रहा हूँ मैं इसके साथ मैंने नीचे इसके यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इसको थ्री में नीचे देखना चाहता हूँ तो मैंने नीचे एक ये इसका व्हील के लिए एक ऑप्शन लगा दिया जहाँ व्हील फिट हो जाएंगे अब व्हील के साथ मेरे को एक आगे भी लगा दिया मैंने व्हील के लिए उसके बाद फिर नेक्स्ट में मैंने ये व्हील रिम लगा दिया व्हील रिम लगाने के लिए मुझे स्नैप मोड हटाना पड़ा क्योंकि कई बार जगह अपनी अपनी पे मूव करता है स्नैप मोड में वो एक से दूसरी जगह ही मूव करेगा लेकिन अगर आप बीच का गैप कवर करना चाहते हो कि आप उन दो जगहों के बीच में मूव करना चाहते हो तो स्नैप मोड आप यहाँ से डिसेबल करके उसमें मूव कर सकते हो तो ये आपका एक ऑप्शन आया था वैसे ही मैंने दूसरे व्हील्स लगा दिए चारों व्हील्स लगा दिए फिर मैंने इसके ऊपर टायर्स फिट कर दिए टायर्स फिट करके फिर मैंने बाकी जो है वो गाड़ियाँ तो मैंने सीधे सीधा डायरेक्टली उठा सकते हैं या फिर उसको भी बिल्कुल बनाने का हमारा यही तरीका है उसको बनाने का तो इस ढंग से हम उसको बना सकते हैं आई बिलीव यू ऑल हैव लर्न समथिंग न्यू ओवर जहां जहाँ प्रैक्टिस करके उसको और अच्छा बना सकते हैं थैंक यू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट स्टे ब्लेस गॉड ब्लेस यू ऑल